हेलो मॉम्स एंड डैड, वेलकम अगेन टू बी अ मॉम फैमिली। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों की अम्बिलिकल स्टम यानी कि नाभिनाल, जिसको हम ठुंड भी बोलते हैं, इसको ठीक होने में कितना वक्त लगता है और ये सूखकर कितने दिनों में अपने आप गिर जाती है। जब ये गिर जाती है तो इसमें कितना वक्त लगता है ठीक होने में। इसके साथ में हमको इसकी किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए ताकि इसमें कोई इन्फेक्शन ना हो और आसानी से ये सूख के अपने आप गिर जाए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद जो उसकी ठुंड होती है यानी कि अम्बिलिकल स्टम, उसे डॉक्टर काट के उसमें क्लिप लगा लेते हैं। वेल, इसमें बच्चे को कोई पेन नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई भी नसें नहीं होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, जब बेबी वूम में होता है तो उसे जो ऑक्सीजन होती है, सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मां जो भी अपनी डाइट में लेती है, वो सारे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी तक पहुंचते हैं। वो उसका एक वे होता है। जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो डॉक्टर उसको काट के उसमें क्लिप लगा लेती हैं, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और टाइम रहते अपने आप ही ये सूखकर गिर जाता है। वेल, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके बाद बेबी को पूरी अच्छी तरीके से क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद APGAR नाम का एक स्कोर किया जाता है, जिससे जो अम्बिलिकल स्टम की जो इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है उसे चेक किया जा सके। इसके बाद डॉक्टर जो अम्बिलिकल स्टम पे कुछ एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाते हैं, जो कि आपको वो बाद में भी देते हैं कि कुछ दिन तक आपको एंटीसेप्टिक लिक्विड बेबी के अम्बिलिकल स्टम पे लगाना है। अगला सवाल जो हर मदर के माइंड में होता है कि अम्बिलिकल स्टम कितने दिन के अंदर सूख के गिर जाता है। वेल, ये एक एवरेज टाइम है, 5 दिन से 15 दिन के अंदर अम्बिलिकल स्टम अपने आप सूख कर गिर जाता है। लेकिन अगर आप उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हो, उसको सूखा रखते हो, ड्राई रखते हो, तो ऐसे में 1 हफ्ते के अंदर वो अपने आप गिर के सूख जाता है। पहले ये होता है पीले रंग का, पीले से ये हरा होता है, हरे से ये भूरा होता है, उसके बाद इसका रंग काला हो जाता है। वेल, ये अपने आप सूख के धीरे धीरे गिर जाता है। उसके बाद एक छोटा सा घाव बेबी के बेली बटन पे रह जाता है, जो कि बाद में बेली बटन बनता है। अब अगला सवाल मदर के माइंड में होता है, जब ये गिर जाता है अम्बिलिकल स्टम सूखने के बाद, तो उसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है। पहले इसको ठीक होने में लगभग 7 से 10 दिन लग जाते हैं, अगर आप उसे ठीक से ध्यान रखते हो। इसमें हल्का सा ब्लड आता है, ये नॉर्मल है, बहुत हल्का फुल्का ब्लड होना। इसके साथ में इसके हो सकता है छोटी छोटी गांठें सी हो, ये भी होना नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कुछ सीरियस चीजें देखते हो जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगी, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अदरवाइज जो बेबी का अम्बिलिकल स्टम है वो गिर के सूख के सही होके बेबी का बेली बटन बन के तैयार हो जाता है। आइए अब मूव करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, कि ये कैसे पता करें कि बच्चे का जो अम्बिलिकल स्टम है उसमें इन्फेक्शन हो गया है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो अम्बिलिकल स्टम है यानी कि उसके आसपास का एरिया, या फिर वहां पे कोई सूजन ना हो, या फिर उसका रंग लाल ना हो। दूसरी चीज, उसमें कोई स्मेल ना आ रही हो, अजीब सी आप नोटिस करोगे, क्योंकि आप अक्सर बेबी के आसपास रहते हो तो आप सबसे पहले महसूस कर सकते हो कि कहीं उसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही है। अगर स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन है। तीसरी चीज, बच्चों का टेम्परेचर बढ़ जाना, मतलब नॉर्मली अभी बच्चा बिल्कुल ठीक था, अचानक से आप देख रहे हो कि वहां पे नेवल एरिया के पास में उसको सूजन भी हो रही है, रंग भी उसका लाल हो रहा है, उसके साथ में उसका टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, यानी कि उसको बुखार जैसा आपको फील हो रहा है, तो ऐसे में इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फोर्थ पॉइंट है कि बच्चों की भूख कम हो जाना। पहले बच्चा आराम से सब कुछ फीड ले रहा था, अच्छे से वो बॉटल भी फीड ले रहा था, आप ब्रेस्ट फीड करा रहे थे वो भी ले रहा था, लेकिन अचानक से आपने महसूस किया है कि बच्चा जो है वो ना तो बॉटल फीड ले रहा है ना ही ब्रेस्ट फीड ले रहा है, उसकी भूख जो हो रही है वो बहुत ज्यादा कम हो रही है, ऐसे में इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत। अगला पॉइंट है, जब भी आप बेबी के नेवल एरिया के पास यानी कि अम्बिलिकल स्टम के पास में हल्का सा टच भी कर रहे हो, उसके पेट के आसपास का एरिया सूजा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको टच करने पे वो रो रहा है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि बच्चे के यहाँ पे जो नेवल एरिया है, जो अम्बिलिकल स्टम है, वहां पे इन्फेक्शन है। अगला पॉइंट हो सकता है कि बच्चा जरूरत से ज्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है, पहले वो ऐसा नहीं था, अभी आपने ये सारे सिम्टम देख रहे हो कि सूजन हो रही है, उसके साथ में आपका बेबी का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और साथ में वो चिड़चिड़ा भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे का जो अम्बिलिकल स्टम है वो ठीक नहीं हो रहा है और उसमें कोई
कोई ना कोई इन्फेक्शन है तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों के अम्बिलिकल सिस्टम की किस तरीके से देखभाल की जाए ताकि उसमें कोई भी इन्फेक्शन ना हो और हमारे बेबी का जो अम्बिलिकल सिस्टम है आसानी से निकल जाए, सूख के गिर जाए। तो उसमें सबसे पहली चीज है उसकी साफ सफाई का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। उसकी साफ सफाई, मान लीजिए वहां पे हल्का सा कुछ चिपचिपा आपको दिख रहा है तो आपको एक सूती कपड़ा लेना है, उससे हल्का सा वहां पे साफ करना है। साफ करने के बाद एक सॉफ्ट रुमाल हो या कोई भी चीज कॉटन हो तो वहां से उसको थपथपाकर उसको क्लीन कर दीजिए। साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको हल्का सा भी डर्ट कहीं दिखे तो उसको साफ कीजिए, ना कि किसी की एडवाइस लेके कि उसमें आपने ऑयल अप्लाई कर दिया, या फिर कुछ लोग एडवाइस करते हैं साबुन से उसको क्लीन कर दो या फिर अल्कोहल लगा के उसको क्लीन कर दो। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डॉक्टर से एडवाइस करनी है, उससे ही डिस्कस कर लेना है पहले कि इसको क्लीन कैसे रखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों का जो अम्बिलिकल स्टंप है उसे ड्राई रखना, उसको सूखा रखना, वहां पे बिल्कुल गीलापन नहीं होना चाहिए। अगर वो गीला रहेगा तो उसको सूखने में टाइम लगेगा और वो अपने आप आसानी से गिर नहीं पाएगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, खासकर डायपर पहनाते टाइम। डायपर जब आप बेबी को पहना रहे हो तो वो ऐसा डायपर आप चूज करिए जो बेबी के अम्बिलिकल स्टंप से नीचे है। मान लीजिए आप क्लॉथ डायपर यूज कर रहे हो तो क्लॉथ डायपर जब भी हल्का सा वेट हो तो उसको फौरन चेंज कर दें, ना कि उसी में बेबी रहे। या फिर आपकी मैट्रेस है वो गीली हो गई है तो वो भी नहीं रहना चाहिए आसपास, क्योंकि अगर गीलापन वहां पर रहेगा तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और खासकर समर के टाइम में जो एकदम ह्यूमिड वाला मौसम होता है, बरसात के टाइम में कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करता है बेबीज को, तो उस टाइम पे आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए डायपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है तो ऐसे में वो उस एरिया को कट करते हैं ताकि अम्बिलिकल जो भी स्टंप है उसमें कोई भी प्रॉब्लम, बच्चे को कोई खिंचाव, कोई भी ऐसा कोई फीलिंग भी ना हो। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए बच्चे ने यूरिन पास किया है डायपर में बहुत बार, तो ऐसे में अगर वो ज्यादा यूरिन पास करेगा तो कभी कभी चांसेस होते हैं वो डायपर जो होता है वो लीक भी हो जाता है। लीक होने पे कभी कभी वो ऊपर की तरफ भी गीलापन आ जाता है, तो ऐसे में जो होता है अम्बिलिकल स्टंप से वो गीलापन, और खासकर अगर वो यूरिन है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है, बेबी का डायपर रेगुलरली आप चेंज करते रहिए, बिल्कुल भी गीलापन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्पंज बाथ। जब तक बेबी का जो अम्बिलिकल स्टंप है वो सूख के गिर नहीं जाता है तब तक आप कोशिश करिए, एक दो बार आप तो नहला सकते हो लेकिन ज्यादातर आप कोशिश करिए कि बेबी को स्पंज बाथ दीजिए, क्योंकि स्पंज बाथ देने से आप जो अम्बिलिकल स्टंप है उसके एरिया को वहां पे जो वेटनेस नहीं होगी वो गीला नहीं होगा तो आसानी से सूख के गिर जाएगा। अगर आप उसे ज्यादा देर तक अम्बिलिकल स्टंप को पानी में रखोगे तो वो सूखेगा नहीं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी आप बच्चों के लिए कपड़े चूज करें तो कुछ चीजों का ध्यान रखिए कि कपड़े थोड़े ढीले हों। अगर कपड़े टाइट होंगे तो अम्बिलिकल स्टंप पे थोड़ा सा खिंचाव हो सकता है तो बच्चे को प्रॉब्लम या तकलीफ हो सकती है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, बच्चे को जो है जब आप कपड़े आप पहना रहे हो न्यू बॉर्न बेबी को, खासकर कुछ लोगों के यहाँ ट्रेडिशन होता है कि वो लोग पुराने कपड़े बच्चों को न्यू बॉर्न बेबी को पहनाते हैं। इसका सिर्फ एक रीजन होता है कि जो नए कपड़े होते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल का यूज किया जाता है जिसकी जो कि बच्चों की एकदम नाजुक स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भी आपको ये रिकमेंड करते होंगे जब भी आप बेबी को कपड़े पहनाएं तो उसे पहले 2 से 3 बार वॉश कर ले। चाहे तो आप उसे नए कपड़े भी पहना सकते हैं, चाहे आप पुराने कपड़े भी पहना सकते हैं, लेकिन अगर नए कपड़े आप पहना रहे हो तो उसको 2 से 3 बार आप पहले ही वॉश कर लें, उसके बाद उसे डिटॉल में वॉश करके ही अपने बेबी को पहनाइए। शुरुआत में आप ज्यादातर बच्चों को कॉटन के सॉफ्ट कपड़े जिसका फैब्रिक बहुत अच्छा हो, वही कपड़े जो बच्चे की स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचाए, अम्बिलिकल स्टंप को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी स्किन में रैश भी हो सकते हैं, अम्बिलिकल स्टंप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कपड़ों को आप बहुत ध्यान से चूज करिए, खासकर जब बेबी का अम्बिलिकल स्टंप उसके साथ अटैच है तो। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है एंटीसेप्टिक लिक्विड वो बेबी के लगाते रहिए, जिस तरीके से डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया। वेल, मुझे सजेस्ट किया था एक कॉटन बॉल से बेबी के जो अम्बिलिकल स्टंप था वहां पे एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाने का। मेरे बेबी का आसानी से निकल गया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया उसको फॉलो कीजिए, आसानी से बेबी का जो अम्बिलिकल स्टंप है निकल जाएगा। अगला पॉइंट है, नेचुरली उसको जाने दीजिए। वेल, कुछ डॉक्टर जो एंटीसेप्टिक लिक्विड भी लगाने को बोलते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि अगर उसको ड्राई रखते हो, आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखते हो तो अपने आप भी वो चला जाता है। वेल, मैंने जो मेरी डॉक्टर ने मुझे दिया था एंटीसेप्टिक लिक्विड उसको यूज किया था। आप चाहें तो वो यूज कर सकती हैं, अदरवाइज अगर आप ध्यान रखते हो, बहुत ज्यादा केयर रखते हो तो वो नॉर्मली चला जाता है। वेल, कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं और बार बार चेक करते रहते हैं कि कहीं ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
मान लीजिए वो थोड़ा सा निकल रहा है, तो कुछ पेरेंट्स की कुछ आदत सी होती है वो उसे खींचना भी स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप ऐसा बिल्कुल कुछ भी मत करिए, आप उसको नेचुरली निकलने दीजिए, वो अपने आप निकल के टूट के चला जाएगा। उससे आपको करने की कोई भी कोशिश नहीं है, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर। आइए अब बात करते हैं कि मान लीजिए बेबी के जो अम्बिलिकल स्टंप है वो निकल गया है, उसके बाद से उसमें हल्का सा ब्लड आए जा रहा है। वेल, हल्का आना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा आ रहा है, आपने उसको क्लीन किया उसके बाद भी आ जा रहा है, उसके साथ में आपको अलग सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, जो वो आपको एडवाइस करिए उसको फॉलो कीजिए। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हों। अगर हो गए हों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होता है उसे हिट करना ना भूलें। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी अमॉम चैनल, बाय बाय।